लेकिन जीत का दरमदार आपके कंधों पर भी है। कितनी तैयारी और कहां तक जीत के आसपास आप पहुंचे? मैं समझता हूं जिस तरह का जोश हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं में है, बीजेपी ने एक साल के अंदर कुछ किया नहीं, हमारी योजनाओं को बंद किया, हमारे डेवलपमेंट कामों को रोका है, हमारी स्कीमों को रोका है। मैं 32,000 से जीता था और हमारे प्रत्याशी उससे भी कई गुना ज्यादा जीतेगा। डीसी बैरवा जी के साथ साथ मुरारी लाल मीना जी की भी यहाँ दाव पर। मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे द्वारा सीट खाली की गई है, इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सचिन पायलट जी हो चाहे अशोक गहलोत जी हो, सब गंभीर है सीट को लेकर के। मुरारी लाल मीना खुद लड़के तो जीतते ही है, चुनाव जितवा भी सकते हैं वो भूमिका भी तय करेगा कितना मान। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ को तो वोट देगी देगी नहीं, मीना समाज का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पायलट की मौजूदगी के बाद कुछ अलग करंट फैला, छत्तीसगढ़ में उत्साह था। मैं समझता हूँ कि एकदम हमको चुनाव को बूस्ट मिल गया सचिन पायलट के आने से। राजस्थान की राजनीति में दौसा का चुनाव चर्चित हो चुका है और दौसा के चुनाव में सचिन पायलट की एंट्री के बाद ये स्क्रीन पर जो दो नेता दिख रहे हैं उनके चेहरों की भी रौनक बढ़ गई है। बात मुरारीलाल मीना जी और यहाँ के डायरेक्ट करंट वाले नेता डीडी बैरवा या डीसी बैरवा, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत आपसे, क्योंकि एक चुनाव लड़ने वाले और एक लड़वाने वाले, कहते हैं जो साथ होता है उसकी ताकत ज़्यादा मजबूत होती है। तो मुरारी जी, आपकी सीट पर प्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं बगल में, लेकिन जीत का दरमदार आपके कंधों पर भी है, कितनी तैयारी और कहां तक जीत के आसपास आप पहुंच चुके? देखो, हमारे पहले तो जो टिकट दिया गया है सर्वसम्मति से, पूरे कार्यकर्ताओं से, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक की सबकी सहमति से, जो सर्वसम्मत प्रत्याशी था उसका नाम हमने हाईकमान को भेजा और उसमें चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे डोटासरा जी हों, सब ने उस टिकट को डिक्लेयर किया। मैं समझता हूँ जिस तरह का जोश हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं में है और बीजेपी के प्रति मायूसी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने एक साल के अंदर कुछ किया नहीं, हमारी योजनाओं को बंद किया है, हमारे डेवलपमेंट कामों को रोका है, हमारी स्कीमों को रोका है। तो कांग्रेस के प्रति जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। पहले भी मेरे विधानसभा चुनाव मेरे को है कि जनता ने जिताया था, फिर लोकसभा चुनाव जनता ने जिताया था और उसी प्रकार का जोश, बल्कि कई जगह तो उससे भी अधिक जोश जनता के अंदर है। मैं समझता हूँ कि मैं 32,000 से जीता था और हमारे प्रत्याशी उससे भी कई गुना ज़्यादा जीतेगा। जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, आंकड़े तो आपने बता दिए कि आप 32 थे और ये 32 से भी, यानी चीज 19 की हो वो 21 जाएगी ऐसे समझें तो हम। लेकिन सीधी बात ये है कि पूरी जिम्मेदारी आप पर है और एक तरीके से प्रतिष्ठा डीसी बैरवा जी के साथ साथ मुरारी लाल मीना जी की भी यहाँ दाव पर है। देखो, जिम्मेदारी हमारे सब कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने सिर पर ले रखी है। ये मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे द्वारा सीट खाली की गई है, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के और हमारे नेता भी, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, सब गंभीर हैं सीट को लेकर के, क्योंकि दौसा की राजनीति पूरे देश के अंदर चर्चित रहती है। और मैं समझता हूँ कि दौसा में हमारा प्रत्याशी जीतता है इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी है, जिस हिसाब से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी हिसाब से सारे कार्यकर्ता मिलकर मेहनत कर रहे हैं और इसी बेस पर मैं कहता हूँ निश्चित चुनाव हम जीतेंगे। बात मीना समाज की कर लेते हैं। देवली उनियारा में भी आपका जिक्र था, जब मैं चुनावी ग्राउंड पे गया, दौसा में तो होना ही है। तो मीना समाज में ये चुनाव एक नेता भी तय करेगा सामाजिक तौर पर, और मुरारी लाल मीना खुद लड़के तो जीतते ही हैं, चुनाव जितवा भी सकते हैं वो भूमिका भी तय करेगा, कितना मानते हैं? देखो, पहली बात तो हमारी पार्टी को जातिवादी पार्टी नहीं है और हमारा प्रत्याशी छत्तीसगढ़ का पसंदीदा प्रत्याशी है और उसमें मीणा समाज भी सम्मिलित है। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ तो वोट देगी देगी नहीं, मीणा समाज का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप गाँव में जाकर सर्वे कर सकते हो, पूछ सकते हो, छत्तीसगढ़ में हमारे साथ में, छत्तीसगढ़ के सहयोग से कोई जीतता है, एक जाति विशेष से कोई भी चुनाव नहीं जीतता है मतलब। और हमारे कांग्रेस के साथ में हमारा जो डीसी बैरवा है, जो डीडी बैरवा दूसरा नाम है उसका, वो काफ़ी लंबे समय से प्रतिव्यक्ति के संपर्क में, कांग्रेस बेसिक रूप से कांग्रेस के लंबे समय से बहुत विचारधारा का व्यक्ति है और सारे लोग छत्तीसगढ़ लोगों को मतदान करेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे, सचिन पायलट की मौजूदगी के बाद कुछ अलग करंट फैला? देखो, सचिन पायलट की कर्म भूमि है और सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे, काफ़ी युवा में उनका बहुत जबरदस्त क्रेज है, दौसा में से उनका लगाव है ही। और सचिन पायलट यहाँ पर टूर करके गए, जबरदस्त लोगों में उत्साह था, छत्तीसगढ़ में उत्साह था। मैं समझता हूँ कि एकदम हमको चुनाव को बूस्ट मिल गया सचिन पायलट के आने से। अशोक गहलोत साहब आए थे, डोटासरा जी आए थे नॉमिनेशन में, उनसे भी बूस्ट हमको मिला था। करीब करीब हमारे और जो नेताओं की हमको जरूरत होगी उनको बुलवा लेंगे और 10 तारीख को सचिन पायलट जी फिर आ रहे हैं और मैं लगातार यहाँ लगाया हूँ और 100% चुनाव जीतेंगे बोल रहा हूँ। तो ये थे मुरारी लाल मीना, सांसद हैं और विधायक को जिताने के लिए, विधायक प्रत्याशी के पद पर डीसी बैरवा को जिताने के लिए अब कोशिश में है और इसी जनसंपर्क में सबसे अहम बात डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, दौसा। मैं पूरे देश और प्रदेश
और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो,